गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू न्यू मोटो ब्लॉग। और आज है 18 जून, जो कि है गोवा रेवोल्यूशनरी डे। और कल और आज बारिश नहीं हुई, कड़क धूप है, तो इसी वजह से मुझे आज ड्यूक बाहर निकालने का मौका मिला, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मई एंड में जो शूट किया था वो मैंने 3 वीडियोस डाल दिए और अभी मेरे पास और वीडियोस नहीं थे। और बारिश के सीज़न में मैं ड्यूक बाहर नहीं निकालने वाला था, क्योंकि भगाने को वैसे भी नहीं मिलेगा, ड्यूक की टेल भी बहुत छोटी है, सो पर जो सब कुछ गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं प्लान ही किया था कि मैं मोटो व्लॉग नहीं डालूँगा, लेकिन आज सूरज है इसलिए मुझे मौका मिला डालने का। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल बेंजीम पासपोर्ट ऑफिस, क्योंकि मुझे अपना पासपोर्ट करना है। और इस रास्ते पे मैंने मोटो व्लॉग इस गाड़ी को लेके शूट नहीं किया था, तो वो भी हो जाएगा। तो अभी आज कितना शूट होता है वो देखते हैं, उसके हिसाब से मैं डाल दूँगा पार्ट्स करके। और सामने जाके हमें रेलवे ट्रैक मिलने वाला है, तो अगर गेट पड़ी होगी तो फिर और रुकना पड़ेगा। और मुझे ऑफिस में अपॉइंटमेंट है 2 बजे, और अभी मैं बाहर निकला था घर से 1:30, और ये जो पूरा डिस्टेंस है मेरे घर से वो और मोर देन 30 किलोमीटर है, तो हमें इसको जल्दी कवर करना होगा। हेलमेट में बहुत हवा आ रही है, पता नहीं क्या ओपन है, सब बंद ही है फिर भी। अच्छा है रेलवे ट्रैक बंद नहीं है। अभी हम पहुंच गए ओल्ड गोवा सर्कल, यहाँ से हम पकड़ेंगे बाणस्तारी पणजी हाईवे। अभी ये थोड़ा 7-8 किलोमीटर का हाईवे है, नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे विंड ब्लास्ट अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत लग रहा है मुझे। ऊपर से मेरा पेट्रोल भी कम है, पता नहीं कितना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर चल पाएगी उस या फिर उससे भी कम। अभी मैं होता है उतना सीधा रहा देखने के लिए कि बिना टकिन के कितनी जाती है। मैंने लास्ट 168 देखा था, और इतना विंड ब्लास्ट पड़ रहा है मुझे, मैं अपने आप को ऐसे खींच के रखा था कि पूरा सर है वो पीछे की तरफ
जा रहा था और ऊपर से हेलमेट भी लूज़ है तो वो भी आगे की तरफ पीछे की तरफ जा रहा है। और ऊपर से जब मैं आ रहा था तो वो एक चढ़ाई है, मतलब जाते वक्त हमें स्लोप मिलेगा, तो स्लोप पे देखते हैं जाते वक्त। अभी जब मैं आया तो वो जो लास्ट लेन में कोई भी नहीं था तो अच्छा हुआ, एक अच्छा सा स्ट्रेच मिला जाने के लिए, लेकिन वैसा हमेशा नहीं होता। और मेरे चेन को भी लूप करना है, चेन बहुत ही सूख गई है, मैंने लूप ही नहीं किया, कितने दिन हो गए, 20 दिन से ऊपर हो गए या महीना हो गया लगता है लूप नहीं किया। वैसे मैं ये गाड़ी को ज़्यादा चलाता नहीं, फिर भी जब चलती है तब आराम से 100-150 किलोमीटर चल जाती है। अभी आ गया सामने सिग्नल, अभी मैं गोप्रो बंद कर देता हूँ, जब ऑफिस से काम होकर बाहर निकलूँगा तो वापस चालू कर दूँगा। अभी ये होगा मेरा पार्ट वन, अभी कितने मिनट का हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन अभी वीडियो बंद करते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना गाइस, लाइक शेयर करना, और लास्ट के 3 जो वीडियो डाले हैं उसमें मेरे 153 से अराउंड 200 हो गए हैं सब्सक्राइबर, सो उसके लिए भी थैंक यू। यहाँ पे रोड ख़त्म है, नीचे डालते हैं। ऐसे हमको आगे जाना है, देखते हैं कब तक मैं वीडियो डाल पाता हूँ, कब तक व्यूज़ आ पाते हैं। तो टेक केयर गाइस, बाय।